गुड मॉर्निंग गेमिंग बडीज, तो कैसे हो आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार फॉर सेल के नए एपिसोड में। तो गाइस लास्ट टाइम हमने एक ऑडी आर8 को बेच के पूरे के पूरे $1 मिलियन कमाए थे, और उसके बाद मैंने ये घर भी खरीद लिया था जो कि ना एडिट के अंदर कट हो गया था। बट यार ये घर बहुत सस्ता था गाइस, लाइक हमें ये घर ना बस $60,000 के अंदर मिल गया। तो अभी इस घर को कहते हैं बाय और चलते हैं फटाफट से अपने शोरूम पे, क्योंकि ये गुड न्यूज है गाइस। आज मैंने अपने शोरूम को अपग्रेड कराया है और उस अपग्रेड के अंदर एक नई चीज आई। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपडेट के बाद हमारा पूरा पूरा गेम चेंज हो गया, आई मीन हमारा शोरूम पूरा पूरा चेंज हो चुका है। बाकी यहाँ पे इसका ओपन और क्लोज करने का सिस्टम मेरा पूरा चेंज हो गया, लाइक यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया अपडेट मुझे लगा है। बाकी गाइस इस ऑफिस को ना हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी ना मेरे दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं है। सो गाइस यहाँ पे एक गुड न्यूज है, क्योंकि कार मार्केट ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ फटाफट से कार मार्केट जाके पता करता हूँ कौन कौन सी कार आई हुई है। ओके सो सामने से मुझे थोड़ी बहुत कारें दिख रही है जो कि मुझे कोई कार पसंद नहीं आ रही, बट फिर एक मिनट यहाँ पे ऑडी आर8 आई हुई है। ओके सो फर्स्ट में गाइस हमें ऑडी आर8 मिल गई, देखते कितने में देगा। ओके 512,000 में देने को तैयार है ये भाई, बहुत ज्यादा की बात है। वैसे इसके टायर तो एकदम इतने बेकार क्वालिटी का लगाया मैंने, लाइक नैनो में भी ऐसे टायर आपने नहीं देखेंगे। बाकी गाइस 3% डैमेज और 10% पेंटेड है, तो काफी कम डैमेज है इसमें भाई, ये बहुत ज्यादा बढ़िया डील हमें दे रहा है। तो मैं क्या करता हूं मैं और कार को देखूंगा, इन्हें मैं से ये खरीदने जा रहा हूं। लाइक मैं ना इसको ऑफर करता हूं, मैं इसको कितना ऑफर करूँ, $430,000। लेट्स सी गाइस अगर इतने में हमें दे देता है तो भाई मजा आ जाएगा, आज के दिन बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेट्स सी, वेल ये इतने में नहीं देने वाला। वेट व्हाट भाई, सपना देख रहा हूँ क्या मैं? लाइक इसने 510,000 में ही देने की बात की, मैंने इसको $430,000 दिया, $1,00,000 कम लगभग। और भाई इसने दे दी, क्या बात है भाई, ऑडी आर8 इतनी इजीली मिल गई। भाई गाइस मैं एक काम करता हूँ, मैं आगे भी कार देख के आता हूँ, लाइक यहाँ पे हमें कोई कार मिल सकती है, ये कार थोड़ी बहुत ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ऑडी की कार है जो कि बहुत बेकार है, बहुत बेकार बिकती भी है। और यहाँ एक बीएमडब्ल्यू भी है जो कि ना, अभी गाइस देखो मुझे ना बस एक कार अच्छी लगी, बट वेट यहाँ पे एक और कार मुझे दिख रही है। ओके सो आज तक मैं गाइस ना टेस्ला नहीं खरीदा, तो मैं क्या सोच रहा हूँ आज टेस्ला खरीद के देखते हैं। लाइक 41% डैमेज है भाई, तो ये काफी बुरी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इसको $33,000 का ऑफर करता हूँ। ओके गाइस सो यहाँ पे हमें मिल चुकी है एक टेस्ला कार भी। बाकी मैं सोच रहा हूँ मैं एक ये कार भी खरीदूँ, लेकिन भाई मैं इतने कार खरीद क्यों रहा, शोरूम में जगह ही नहीं है, लाइक हमने उसको अभी तक मॉडिफाई नहीं करा है। लेट्स सी यहाँ पे मैं देखता हूँ $53,000 और ये कार कैसी दिखती है। ओके सो ये कार भी काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी मैंने इसको भी आज तक आई थिंक नहीं खरीदा है, मे बी आई थिंक नहीं खरीदा होगा। तो मैं इसको एक काम करता हूँ $45,000 का ऑफर करता हूँ। हेलो सर $45,000 में ये कार हमें दे दो। लेट्स सी गाइस देता है या नहीं। ओके सो इसने भी दिया भाई, क्या ही खरीदारी हुई, लाइक आते हमने तबाही मचा दी है इस कार मार्केट पूरी की पूरी कार खरीदे जाए। ओके सो यहाँ पे एक हमने टेस्ला खरीद लिया गाइस। बाकी यहाँ पे हमने एक ये कार खरीदी जिसका नाम मुझे ऑनेस्टली बताओ तो नहीं पता। बाकी यहाँ पे एक ऑडी आर8 हमने खरीदी है। बाकी यहाँ पे एक मिनट, मुझे एक कार दिख रही है बीएमडब्ल्यू की जो कि ना मुझे काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। ओके $62,000 की और कार काफी प्यारी भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस ले लेते हैं। ऑल राइट जिसको मैं ऑफर करने वाला $50,000 जो कि मुझे नहीं लगता कि इतने में मुझे देगी, बट या फिर भी एक बार ट्राई करते हैं, अगर इसने नहीं दिया तो वेट अबे दे दिया भाई। अपनी पता बार्गेनिंग इससे ना काफी ज्यादा बढ़िया हो रही है, लाइक हम तुरंत 2 मिनट के अंदर कार खरीद के लेके जा रहे हैं। बाकी मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं इसको भी टो ट्रक करा देता हूँ। ओके गाइस तो यहाँ से ना हमने 4 कार खरीद लिया, बाकी और कोई कार खरीदने का मेरा मन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस ऑडी में बैठ के फटाफट से निकलता हूँ, फटाफट से इस कार में बैठ के निकलता हूँ। ओके सो भाई इंटीरियर तो काफी कमाल का लग रहा है, लाइक बाकी ना गाइस एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं। और इसके जो टायर है ना बहुत ज्यादा बेकार है, लाइक लिटरली भाई ऐसा लग रहा है कि नैनो का टायर लगा दिया, इतने लोकल से टायर है ना कि मैं क्या बताऊँ। कि मैं सोच रहा हूँ ना अगर इस वीडियो के अंदर हम कोई रेयर सुपर कार खरीदे तो काफी ज्यादा बढ़िया रहेगा अपने लिए। बाकी ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे 2 कारें खड़ी हुई है जो कि हमने खरीदी थी, और एक तो भाई रिपेयर पे गया होगा। तो ओके तो मैं काम करता हूँ गाइस, मैं फटाफट से इन कारों को रिपेयर और इनको मॉडिफाई करा के सेल पे लगा देता हूँ। बाकी भाई अपने शोरूम में ना जगह ही नहीं है, तो मुझे इसको लगता है मॉडिफाई भी कराना पड़ेगा। लाइक ये देखो बस 2 कार लगाने की जगह, बाकी एक अंदर भी लगा सकते हैं जो कि बहुत गंदा रहेगा देखने में, बट आज के लिए कुछ नहीं कर सकते गाइस। आज ना हमें बस प्रॉफिट कमाना है या फिर ये कोई तगड़ी सी कार लेनी है, तो यही काम अपना है। बाकी मैं काम करता हूँ फटाफट से इन दोनों कारों को रिपेयर और इनको मॉडिफाई करा देता हूँ। ओके गाइस यहाँ पे अपने 2 कार यहाँ पे है, तो मुझे इनको ना फटाफट से देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या कमियां इनमें। ओके सो ये बस डर्टी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना गाइस इसको मैं डायरेक्ट मतलब सेल पे लगा देता हूँ, लाइक मुझे नहीं लगता कि इसको कुछ करने की जरूरत है। ऑल राइट गाइस सो अपने कार को सेल पे फटाफट से लगाते हैं। ओके सो यहाँ पे हमने इस कार को $45,000 में खरीदा था, बाकी $4,000 का खर्चा इस पे बैठा है। तो मैं काम करता हूँ ना गाइस इसको मैं $1,50,000 पे लगाता हूँ, लाइक इतने में हम लगा देते हैं और देखते हैं हमें कितना पैसा मिलता है। मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे में लगाता हूँ, क्योंकि भाई पैसे चाहे कितने भी लगाओ वो उतनी देते जितना उनको देना होता है। इस बीएमडब्ल्यू को हमने खरीदा
था $50,000 में, तो मैं इसको लगाता हूँ, इसको भी मैं $1.5 लाख में ही लगा देता हूँ गाइस, देखते हैं हमको कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है और कितना नहीं। बाकी गाइस एक और गुड न्यूज है, क्योंकि आज ना कार ऑक्शन ओपन होने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से ना अपने ऑडियो से जाके देख लेता हूँ कौन कौन सी कार आई हुई है। ओके गाइस, तो यहाँ पे एक BMW जो कि ना मतलब मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि BMW अभी भी मैंने मतलब इससे अच्छी BMW अभी भी मैंने खरीदी है, और गाइस कोई अच्छी कार आई नहीं, तो मुझे नहीं लगता आज ऑक्शन से हमें कुछ खरीदना भी चाहिए। बाकी गाइस ये देखो ये क्या हुआ ऑडियो के साथ, इसका जो लो सस्पेंशन है ना उसकी वजह से ये फंस चुका है इसके अंदर, तो मैं काम करता हूँ मैं इसको फटाफट से टू करा देता हूँ। ये बहुत गंदी बात है भाई, मतलब लिटल ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। बाकी ओके, सो यहाँ पे टू ट्रक वन पे भेज दें। ओके गाइस, तो आज का दिन ना अपना काफी ज्यादा खराब था, क्योंकि कार ऑक्शन में कोई अच्छी कार आई नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पे ना काफी सारे कस्टमर आए हुए जो कि मुझे काफी देख के अच्छा लगा। ओके, सो $62,000 ये लास्ट ऑफर है, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते, वेट कर सकते ज्यादा से ज्यादा, बट मुझे वेट नहीं करना गाइस। ओके, सो $62,000 में बिक गया, काफी ज्यादा बढ़िया बात है, लाइक ज्यादा प्रॉफिट तो बिल्कुल भी नहीं हुआ अपने को, बस 10-12 हज़ार का प्रॉफिट है, जो कि बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसलिए गाइस मैं ये सस्ती कार ना लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है प्रॉफिट तो घंटा होने वाला है। ऑलराइट, तो इससे पता करते हैं कितने में देगा। $73,000 बहुत ज़्यादा बढ़िया। सर आप कहाँ पे थे पहले, क्यों नहीं दिखे मुझे? ओके, सो इसको मैं ऑफर करता हूँ, मैं इसको $85,000 में देता हूँ। प्लीज़ भाई इतने में ले जाते रहिए, अदरवाइज मैं तुझे $83,000 में भी दे सकता हूँ। ओके, बहुत ज़्यादा बढ़िया गाइस इस BMW पे, मतलब मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट हाँ ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया इस दिन। बाकी गाइस उस वाले कार से बहुत ज़्यादा मतलब बेकार प्रॉफिट हुआ है, आई डोंट लाइक इट। बाकी मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से इस ऑडी R8 को मॉडिफाई वगैरह करा देता हूँ। सियान कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है मुझे, आई लिटरली लाइक दिस कलर। पॉलिश को भी थोड़ा वहाँ है क्या, नहीं पॉलिश को हल्का कमी करते हैं। ओके, सो और मेटालिक को और हल्का बढ़ाते हैं। ऑल राइट, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है गाइस। ओके, सो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया, यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छा पेंट करा दिया गाइस, और इसकी मॉडिफिकेशन भी करा दी। बाकी जब ये वॉश हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये अपने ऑडी R8 जो कि सियान कलर में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है, तो मैं काम करता हूँ मैं फटाफट इसको सेल पे लगा देता हूँ। बाकी यहाँ पे गंदा भी है क्या? हाँ थोड़ा बहुत गंदा है, तो ओके सो ये साफ कर देगा। ऑल राइट, तो मैंने फटाफट इसको सेल पे लगा दो। ओके सो यहाँ पे टैबलेट हमने खोला, और ओके सो ये अपने ऑडी R8, इसको खर्चा ना हमारा लगभग $4,35,000 आया। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने अपने ऑडी R8 को $1 मिलियन पे डाल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। अभी मैं फटाफट से काम करता हूँ, अपने टेस्ला को भी डाल देता हूँ। बाकी सच में काफी बढ़िया लग रही है, लाइक ऑडी R8 अच्छी लग रही है सियान कलर में। एक काम करते हैं फटाफट से ना अभी अपने टेस्ला को भी लगा देते हैं सेल पे। वेट, यहाँ पे कार मार्केट ओपन हो गया, ये काफी ज्यादा बढ़िया बात है, मैं तो देखा ही नहीं था। लेट्स गो, मैंने एक काम करता हूँ फटाफट से कार मार्केट भी होते आता हूँ। वैसे कार मार्केट में रेयर सुपर कार नहीं मिलती क्या? मतलब मुझे चाहिए था, आई थिंक वो बस ऑक्शन में ही मिलती है। बाकी यहाँ पे भी काफी अच्छी कारें मिल जाती है, और मैं क्या सोच रहा हूँ अगर हमें Lamborghini मिल गई तो काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा अपने लिए। बाकी देखते हैं। ओके, सो Lamborghini इज नॉट देयर, जो कि बहुत बुरी बात है, बट Ferrari इज देयर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमें Ferrari मिली है $3,71,000, भाई बहुत महंगा बेच रहे हैं। ओके गाइस, सो मैंने इसको सीधे से $1 लाख का कम करवा दिया है, $2,72,000 में इसको देने के लिए तैयार हूँ। लेट्स, ये देता है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं देना चाहता है, तो ये गुस्सा हो रहा है भाई, एक मिनट गुस्सा क्यों हो रहा है नाम को। ओके सो मैं इसको $3,20,000 दे रहा हूँ गाइस, अभी मुझे लगता है ये दे देगा, इजीली दे देगा। ओके सो फाइनली इसने दे दिया। बाकी काफी गुस्सा हो रहा था क्योंकि हम इसको काफी कम प्राइस दे रहे थे। बाकी मैं काम करता हूँ, मैंने इसको फटाफट से टू ट्रक करा देता हूँ। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा बढ़िया। बाकी गाइस यहाँ पे चेकआउट करते हैं, और कोई बढ़िया कार आई क्या? एक की SUV टाइप कार आई है जो कि मुझे नीचे। बाकी वेट, अबे नहीं ब्रो, व्हाई क्यों खरीदा मैंने Ferrari? मुझे लगा Lamborghini आई नहीं है। शिट मैन, होली शिट, दिस इज रॉन्ग मैन। ये कितने का है? एक मिनट मुझे पता करने दो, मुझे ना अभी फटाफट से अपनी ऑडी R8 को बेचना पड़ेगा, अदरवाइज गाइस ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। $5,28,000, शिट क्यों मैंने नहीं देखा पहले? मुझे लगा गाइस यहाँ पे अपनी Lamborghini आई नहीं है, बट अपनी Lamborghini आई है भाई, मुझे Lamborghini चाहिए, मुझे कैसे भी चाहिए। ओके, कस्टमर ऑफिस में आया हुआ है। ओके सो मैंने फटाफट से काम करता हूँ, मैं फटाफट से अपने ऑडी R8 को बेच देता हूँ ताकि मुझे ये कार मिल जाए। ओके सो यहाँ पे भाई साहब देख रहे हो, लग्जरियस कार लगाए नहीं, यहाँ पे लाइन लगा दी है कस्टमर ने। फटाफट से मैं बात करता हूँ, ओके भाग भी रहे ये लोग। अबे रुको भाई, आगे देखो, पहले आराम से खड़े थे, मैं आया तो भागने लगे। $6,93,000 दे रही थी। अरे भाई एक मिनट रुको, ये ज्यादा दे रही थी ना। मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऑफर करता हूँ $8 लाख में गाइस इसको बेच के देखते हैं, अगर बिक जाता ना तो मजा आ जाएगा, लाइक लिटरली भाई मजा ही आ जाएगा। लेट्स सी। ओके भाई ये क्या हुआ, 2 सेकंड के अंदर बिक गया भाई $8 लाख के अंदर। भाई ये मुझे बहुत ज्यादा लगता है लगाना चाहिए था, क्योंकि अभी मैं मास्टर हो चुका हूँ बार्गेनिंग का, तो भाई कुछ ज्यादा ही तगड़ा वाला प्रॉफिट अपने को हो रहा है। बाकी गाइस ये काम करते हैं, फटाफट से जाते हैं, और अपने पास ही देखो $1 मिलियन फिर से हो गए, जबकि हमने एक Ferrari और एक टेस्ला भी अभी तक बेची भी नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मैंने फटाफट से जाकर Lamborghini खरीद लेता हूँ, क्योंकि भाई मुझे लेना था, कब से लेना, जब से गेम स्टार्ट हुआ है तब से मुझे लेना था।
ये फटाफट से जाके यहाँ पे देखने दे। हेलो लैम्बोर्गिनी वाले भैया कहाँ पे हो? ऑलराइट यहाँ पे ये लैम्बोर्गिनी वाला भैया, मैंने फटाफट से इसका देख लेता हूँ लुक वगैरह, और बाकी इसका डैमेज भी नहीं है, पेंटेड भी नहीं है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया माल बेच रहा है, एक बहुत बढ़िया कार बेच रहा है। तो मैं इसको ऑफर करता हूँ, मैं इसको फुल $29,000 ऑफर करने वाला होगा। देखते हैं अगर इतने में हमें दे दे तो काफी ज्यादा बढ़िया बात रहेगी अपनी। लेट्स सी। ओके सो यहाँ पे आप देख सकते हो सर। ओ वेट भाई साहब, मुझे और कम कर आया था, वाई क्यों नहीं कराया मैंने। और भाई पहली बार लैम्बोर्गिनी हमने खरीदी। एक बात बताओ गाइस, ये ना मुझे सच में ये पुरानी मॉडल क्यों डाल रही है भाई लैम्बोर्गिनी की? मैं सच्ची में ये पूछना चाहता हूँ गेम डेवलपर्स से, पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसे किया। लैम्बोर्गिनी इतनी ज्यादा बढ़िया लगती है, बट उन्होंने पुरानी मॉडल डाल दी है जो कि बहुत खराब आ जाए। बाकी अंदर जाके देखते। ओके सो ये भाई बहुत पुरानी लैम्बोर्गिनी है, बट कोई बात नहीं भाई, लैम्बोर्गिनी तो ऐसे लैम्बोर्गिनी होती है। लाइक आज मजा आने वाला है काफी ज्यादा अपनी लैम्बोर्गिनी को चलाने में। बाकी मैं इसका स्पीड वगैरह भी चेकआउट करना चाहूंगा, और मैं कैसे रहा होगा आज मैं इसको पूरी तरीके से मॉडिफाई करा के रेस में लेके जाऊँ। लाइक मैंने काम करता हूँ, मैं फटाफट इसको लगाता हूँ। ऑलराइट ओके। और अभी मैं फिलहाल अभी कराने वाला हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी का कलर चेंज। और लैम्बोर्गिनी में भाई आपको पता है कौन सी कलर सबसे बेस्ट लगती है? वो है येलो। लाइक येलो लैम्बोर्गिनी के लिए ये कलर बनी है ऐसा लगता है। ओके ऑलराइट इतना ओके परफेक्ट गाइस, यहाँ पे हम प्रॉपर से यहाँ पे कर लेते हैं। ऑलराइट तो यहाँ पे भी बस इसको थोड़ा बहुत वॉश कराना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी लैम्बोर्गिनी को लगा दिया ताकि ये बंदा ने इसको धो हो दे। बाकी यहाँ पे भाई फिर से रात होगी, तो मैं काम करता हूँ ना, मैं फटाफट से जाके सो लेता हूँ ताकि दिन हो जाए। ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना अभी हमने टेस्ला को भी मॉडिफाई फुल कर दिया, बाकी इसका इंटीरियर भी मुझे काफी पसंद है। लाइक ये कार ना थोड़ी सी अच्छी लगती है। तो ओके सो मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट से इन दोनों कार को सेल पे लगा देता हूँ। पहली अपनी फरारी है और दूसरी अपनी ये रही, ये जो टेस्ला है। तो ओके मैं काम करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से इनको सेल पे लगा देता हूँ।